नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देंगे, जिसमें रायगढ़ जिले के अंतर्गत में 1100 से भी अधिक पदों पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में भी जानकारी देंगे। शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला आयुर्वेद अधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी की गई इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में योग सहायक के रिक्त एक पद पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 17 अप्रैल 2023 को शाम 3 बजे तक कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी के प्रथम तल जीरा पुराना चिकित्सालय भवन घड़ी चौक बालोद में अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। यहाँ पर योग सहायक संविदा के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 अप्रैल तक आवेदन पत्र भेज पाएंगे। आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष 1 जनवरी 2023 की स्थिति में और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता यहां पर मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल 8वीं उत्तीर्ण रखा गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य में आवेदक जिला बालोद छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी मांगा गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर चयन के संबंध में अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 8000 रुपये एकमुश्त वेतनमान संविदा आधार पर प्रत्येक माह दिया जाएगा। आवेदन पत्र भेजने के लिए पूरी जानकारी इस विज्ञापन में दे दी गई है। साथ ही साथ इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप भी दे दिया गया है, जिसे आप कंप्यूटर सेंटर में प्रिंट आउट निकलवा करके इसमें जो भी जानकारियां चाही गई हैं सभी को भर करके लिफाफे के माध्यम से आप अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। तो भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन जल ग्रहण प्रकोष्ठ डाटा केंद्र जिला बलौदा बाजार भाटा पारा के अंतर्गत में जारी किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 10 अप्रैल 2023 तक शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे। यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी की एक पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 49,000 रुपये प्रत्येक माह वेतन मान दिया जाएगा, जिसमें कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर या फिर सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण या फिर वानिकी या फिर शुष्क भूमि कृषि या फिर उद्यानिकी या फिर जल ग्रहण में न्यूनतम 3 वर्ष के कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। चयन की प्रक्रिया कैसी होगी आप इसमें देख सकते हैं। WDD सदस्य के यांत्रिकी में एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 31,450 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम BTEC कृषि अभियांत्रिकी या फिर BE सिविल में या फिर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में मांगी गई है और वांछनीय अर्हताएँ भी मांगी गई हैं, जिन्हें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सदस्य समूह विकास के एक पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 25,780 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए MBA अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर की डिप्लोमा या फिर ग्रामीण प्रबंधन या फिर विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर की डिप्लोमा या फिर MSW मांगी गई है और अन्य योग्यताएँ भी मांगी गई हैं। संबंधित अभ्यर्थी 10 अप्रैल 2023 तक अपना आवेदन पत्र 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक प्रकोष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से भेजें कि 10 अप्रैल तक आपका आवेदन पत्र जो है पहुंच जाना चाहिए। और आवेदन पत्र भेजने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। माइक्रो वाटर सेट सचिव के कुल 11 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए भी अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। यहाँ पर कुल 11 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये एकमुश्त वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास मांगा गया है। चयन के लिए कौन कौन सी यहाँ पर नीति अपनाई जाएगी आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं, किस हिसाब से वेटेज दिया जाएगा और चयन किया जाएगा। इसके लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पूरी जानकारी के लिए और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन में प्राप्त हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर के आप इसमें जो भी जानकारियां चाही गई हैं सभी को भर करके लिफाफे के साथ में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज सकते हैं। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन जिला खनिज संस्थान न्यास जसपुर के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विकास सहायक और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल 2023 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से jaspur.nic.in में दिए गए गूगल डॉक लिंक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। विकास सहायक के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 75,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 3 के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 14,200 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है 50% अंकों के साथ में, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। यहाँ पर आवेदन करने के लिए 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा का छूट छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार यहाँ पर की जाएगी। फॉर्म भरने के संबंध में पूरी जानकारी आपको इस PDF में दे दी गई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों आज की भर्ती के लिए अगली जानकारी लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी के अंतर्गत में जिला बिलासपुर के अंतर्गत में बिल्हा के लिए जारी हुई है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर गेस्ट लेक्चरर गेस्ट ट्रेनर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल 2023 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर माइक्रो इरीगेशन टेक्नीशियन के एक पोस्ट पर भर्ती की जा रही है, सॉयल वाटर ट्रेनिंग टेस्टिंग लैब असिस्टेंट के एक पोस्ट पर भर्ती की जा रही है, सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के एक पोस्ट पर भर्ती की जा रही है। भर्ती के संबंध में आप इनकी शैक्षणिक योग्यताएं, तकनीकी योग्यताएं और अनुभव वगैरह सारे डिटेल्स आप इस विज्ञापन में प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2023 रखी गई है। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी जो भी स्थानीय निवासी हैं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले से अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज सकते हैं। चयन के संबंध में पूरी जानकारी किस प्रकार से आपका यहाँ पर चयन होगा सारा डिटेल्स इस विज्ञापन में दे दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक मानदेय 15,000 रुपये प्रत्येक माह एक मुश्त दिया जाएगा। दोस्तों रायगढ़ जिले में महारोजगार मेला का आयोजन 4 अप्रैल 2023 को तमनार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1,000 से भी अधिक तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्तियां होंगी। जिले में पहली बार विकासखंड स्तर पर बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वैकेंसी की जानकारी और पंजीयन के लिए जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट का भी लॉन्च किया है, जो कि रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल के नाम से है, जहां पर भी जाकर के अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही साथ में क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। इन तीनों माध्यम से किसी भी एक माध्यम में अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन जो है इस रोजगार मेला में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। लगभग 1100 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर भर्तियों के लिए प्लेसमेंट कैंप रोजगार मेला का आयोजन पहली बार विकासखंड स्तर पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जिले में पहली बार मुख्यालय के बाहर विकासखंड तमनार में आगामी 4 अप्रैल को वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासकीय हाई स्कूल मैदान में लगने वाले इस बृहद रोजगार मेले का उद्योगों द्वारा स्थानीय युवाओं की उनकी योग्यताओं और उद्योगों की मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बृहद रोजगार मेला में करीबन 1,000 से भी अधिक तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। रोजगार मेले से संबंधित जानकारियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। साथ साथ में रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल का भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। अभ्यर्थी www.raigadrozgarmitan.in पर जाकर के भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में इनके टोल फ्री मोबाइल नंबर 9399838 79 पर भी कॉल करके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्यूआर कोड के माध्यम से भी अभ्यर्थी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म भी वहां पर भर सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी यहां पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के इच्छुक हैं वो यहां पर रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं। रायगढ़ जिले में आगामी 4 अप्रैल को तमनार में रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा एक वृहद रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इस रोजगार मेला के माध्यम से हम स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार उनकी योग्यता के अनुसार प्रदाय करने के लिए शिविर का आयोजन कर रहे हैं। फ्री नंबर जारी किया है 9399838 79। टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करके अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए हम विशेष तौर पे क्यूआर कोड जारी किए हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे जो रायगढ़ जिले के हमारे सभी ब्लॉक में एक यूथ सेंटर है, युवा केंद्र है, उस युवा केंद्र में जाकर ऑफलाइन मोड पे यदि आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है तो वहाँ पर भी जाके आप पंजीयन करा सकते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पास लगभग 1,000 से ज़्यादा पद इस रोजगार मेले के लिए उपलब्ध हैं। मेरा जिले के सभी युवा साथियों से आग्रह है कि जो रोजगार की तलाश में है अपना पंजीयन कराकर इस शासन की योजना का लाभ उठाएँ। धन्यवाद।